इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां भोपाल में कारोबारी के घर मिले 32 लाख रुपए। कारोबार से जुड़े होने की है आशंका। कारोबारी कैलाश खत्री बोले, कटे फटे नोट बदलने का करता हूं काम। राजधानी भोपाल के थाना अशोक गार्डन क्षेत्र स्थित पंत नगर में एक घर के अंदर छापेमारी की गई, जिसमें अशोक गार्डन पुलिस ने कैलाश खत्री के घर पर 32 लाख रुपए बरामद किए। 22 लाख रुपए के नए नोट और बाकी पुराने नोट मिले। बताया जा रहा है कि आरबीआई का लेटर मिला है। फिलहाल डीसीपी जॉन एक प्रियंका शुक्ला द्वारा माल जब्त कर इनकम टैक्स को सूचना दे दी गई है। अब पता ये करना है कि लेटर आरबीआई ने दिया है या नहीं, या फर्जी है। पुष्टि होने पर साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में डीसीपी जॉन एक की प्रियंका शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भोपाल से द खबरदार न्यूज के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मामले में अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें कितना कैश अब तक मिल पाया है? कुछ इसमें अभी तक कुल मिलाकर के नए और पुराने नोट सब मिलाकर के लगभग 31,58,000 रुपए का सीजर हुआ है। नए नोट जो है वो लगभग 22 लाख रुपए उसमें वैल्यू है, जिसमें अधिकतम 20 रुपए के नोट्स की वैल्यू है, जो कि 18 लाख रुपए का लगभग है। और पुराने नोट्स में भी लगभग 5 लाख रुपए हैं इसमें। तो इसको हमने 102 सीआरपीसी के अंतर्गत जब्त किया है और इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है, जो कि अग्रिम इसमें जांच करेंगे कि सोर्स क्या था। और हमारे द्वारा भी इसमें पुलिस के द्वारा भी और आगे जांच की जा रही है कि इसका सोर्स क्या था और ये पैसे कहाँ जा रहे थे। ये बहुत लंबे समय से कर रहा था, यानी तकरीबन 2006 से बताया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक जो है वो ऐसे लाइसेंस तो उसमें देता नहीं है, तो उस पर कोई अलग से कोई कार्रवाई उसमें होती है? इसमें जो कैलाश खत्री है, जिनके घर से ये सीजर हुआ है, तो उनके द्वारा एक लेटर 2015 का आरबीआई के द्वारा दिया हुआ बताया गया है, जबकि आरबीआई से अभी तक हमारी मौखिक रूप से चर्चा हुई है और उनसे हम उस जो 2015 का लेटर है उसका ओरिजिनल लेटर भी हम उनसे लिखित में प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कभी वो किसी व्यक्ति विशेष को ऑथराइज नहीं करते हैं पुराने कटे फटे नोट के एक्सचेंज के लिए। जिसका नोट अगर ठीक नहीं है तो उसको वो पर्सनली खुद जाकर के बैंक में चेंज कर सकते हैं। बल्क में कोई इस तरीके से इकट्ठा करके नोट एक्सचेंज नहीं कर सकता जाकर के। तो इस तरीके से आरबीआई से भी चर्चा में है, उनसे भी जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त की जा रही है और इनकम टैक्स को भी जानकारी दी जा चुकी है। तो इसमें क्या कोई क्रिमिनल एंगल बनता है तो क्या एफआईआर होगी इसमें? इसमें अभी तक जो लेटर इनके द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा दिया हुआ, जो कैलाश खत्री हैं, अगर आरबीआई ऐसा बताते हैं कि ये लेटर उनके द्वारा नहीं जारी किया गया है, तो फिर इनके ऊपर एक क्रिमिनल मामला बन सकता है।